हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी डायरोडैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, यानी कि इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स हैं आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर, या ओवरऑल किसी भी चीज़ को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है, ये चीज़ें जानने की देखने की कोशिश करेंगे। गाइस, बस आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है, ये जो भी रीडिंग होने जा रही है वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होने जा रही है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। उसके अलग कुछ कुछ मामलों में एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि आपके पर्सन भी सेम उसी एनर्जीज में हो जिस एनर्जीज में आप हो, ठीक है, ये भी चांसेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की इस वक्त में क्या एनर्जीज हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इस वक्त में क्या एनर्जीज हैं, उनको लेकर ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं व्यूअर्स के पर्सन की। परसेप्शन गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए डिस्कवरी, फॉरगिवनेस, रिलीज। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने शायद पास्ट में आपको अलग नजरिए से देखा, एज इन कि इन्होंने आपको गलत नजरिए से देखा, इन्होंने अपनी सोच आपके प्रति नेगेटिव बना ली थी। यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है, थीके? और इसी नेगेटिविटी की वजह से ये आपकी लाइफ से चले गए, चाहे फिर ये किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, चाहे खुद से इनके मन में आई हो, चाहे कोई ट्रस्ट इश्यूज हो गया हो आप लोगों के बीच में, या किसी ने क्रिएट करी हो ये नेगेटिविटी। ओवरऑल आपके पर्सन आपको पास्ट में जब ये आपको छोड़कर जा रहे थे तो ये आपको अलग नजरिए से देखने लगे थे, वो नजरिया था इनका नेगेटिव होना, यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं। लेकिन अब आपके पर्सन यहाँ पर उसी नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहते हैं, ये चीजें दिख रही हैं। और हो सकता है काफी हद तक इन्होंने ये नेगेटिविटी जो आपके प्रति ये सोच रहे थे वो चीजें रिलीज भी कर दी हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपसे अपने इसी नजरिए के लिए माफी मांगना चाहते हैं, आपसे अपनी गलतियों, जो भी इन्होंने आप पर ब्लेम डाला, जो भी इन्होंने आपको नेगेटिव बोला या आपके लिए इन्होंने नेगेटिव परसेप्शन रखा, उस चीज़ों के बारे में, उस चीज़ों के मामले में ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपने पर्सन को कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, यानी कि हो सकता है आपने इनसे बिल्कुल कांटेक्ट बंद कर दिया हो, इनके पास आना जाना, अपने फोटो डीपी लगाना, अपने आप को ऑनलाइन भी आपने ब्लॉक कर दिया हो, ओवरऑल आपकी कोई खबर इनके पास नहीं जा रही है। तो आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खोजते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस मामले में डिस्कवरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक आपके मामले में जो सोच रहे थे उस वक्त में नेगेटिव, ब्लैक एंड वाइट, उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। हो सकता है आपके पर्सन के यहाँ पे बच्चे हों, आपके बच्चे हों, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हों, आपके बच्चे हों, यहाँ पर ये चांसेस हैं। यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि आपके पर्सन थोड़े मैच्योरिटी लेवल पे कम हो, और स्पेशली रिलेशनशिप को कैसे चलाया जाता है, यानी कि एक विश्वास बनाए रखना होता है, किसी की बातों में तुरंत नहीं आना होता है, तुरंत मुंह पे ब्लेम नहीं करना होता है, ये सब चीज़ों के मामले में आपके पर्सन शायद पास्ट में कच्चे थे। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज भी आ रही है। ओवरऑल यहाँ पे मुझे आपके पर्सन जो भी आपके बारे में नेगेटिव हो रहे थे उन सब चीज़ों को रिलीज करते हुए और आपसे उन गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, उस एनर्जीज में तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए यहाँ पे परसेप्शन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, अब किस नज़रिए से देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, अब किस नज़रिए से देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए गाइड कीजिए। 1 2 3 4, अरे वाह क्या बात है भैया, मजा आ गया।
देखो यहाँ पे आया है लिब्रा की एनर्जी, जमनाई की एनर्जी, चारों कार्ड्स ना मेजर अरकाना है, एक्वेरियस की एनर्जी और सेजिटेरियस की एनर्जी। देखो गाइस, आपके पर्सन जितना आपके लिए नेगेटिव हो रहे थे, जितना ये आप पर ब्लेम लगा रहे थे, जितना आपको नाप शनाप बोल रहे थे, उन चीजों को इन्होंने पूरी तरह से बदल दिया है, अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके मामले में काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि इन्होंने आपको वो रेस्पेक्ट नहीं दी, इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं करा, आपको दोषी करार दे दिया, आप पर झूठे आरोप लगा दिए, ब्लेम लगा दिए। उन चीजों के मामले में आपके पर्सन का दृष्टिकोण यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको वही मान सम्मान, वही रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, वही दर्जा देना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रही है जो एक्चुअली में आपको मिलना चाहिए। आपके पर्सन का परसेप्शन चेंज हो गया है, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। जो कल तक ये बोल रहे थे कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, ये साथ नहीं हो सकता, या फिर आपके पर्सन बोल रहे हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, ये आपसे मूव ऑन कर गए, किसी और के साथ आना चाहते हैं, किसी और से रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो उस नजरिए वो नजरिया आपके पर्सन का यहाँ पर चेंज हो गया है। आपके पर्सन अब आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं और आपके साथ ही इनका रिश्ता होगा, इस मामले में ये होप बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल आपके पार्टनर का यहाँ पे तो पूरा नजरिया ही चेंज हो गया है, ये चीजें दिख रही हैं। फॉरगिवनेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस मामले में माफी मांग चाह रहे हैं। 1 2 3 बहुत सारे 4। ओह ये बात है। देखिए यहाँ पे आया है गाइस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, वर्गो की एनर्जी, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, एंड द हैंग्ड मैन आपकी आई है पाइसिस की एनर्जी। ये आपसे डेफिनेटली माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि पास्ट में इन्होंने ये करा आपके साथ, आपको छोड़कर चले गए बिना कुछ एक्सक्यूज दिए, बिना कोई बात बताए आपकी लाइफ से चले गए, या फिर हो सकता है बताया भी हो, मोटिव इनका जाने का था, तो ये क्यों गए उस मामले में आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये चीजें दिख रही हैं। इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, अपने आप को हर्मिट मोड पे डाल दिया, आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, आपको इनका अता पता नहीं है, कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, कुछ पता नहीं है, उस मामले में आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इन्होंने जो भी आपके बीच की सिचुएशन थी, जो भी उस वक्त में स्ट्रगल आए थे, जो सिर्फ और सिर्फ आपने अकेले झेले और इन्होंने उस स्ट्रगल को सरेंडर कर दिया, उसे भगवान को सौंप दिया और ये आपकी लाइफ से चले गए, मूव ऑन कर लिया, उस चीज़ के लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि भाई ये आपको भी अब अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, शांति में कहीं और रहना चाहते हैं, ये जो भी आप लोगों के बीच में ड्रामा हुआ है इसे छोड़ छाड़ कर इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, सारी परेशानियों को, सारे पुराने टॉक्सिक पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि ये आपको पास्ट में अकेला दर्द में स्ट्रगल में छोड़कर जो चले गए थे, कोई एफर्ट नहीं करा था, उस मामले में आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, रिलीज के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्सल बताइए किस तरह की नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए किस तरह की नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं ये। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए। 1 2 3 4। मुझे आप लोगों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है, नंबर 11 इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि नवंबर मंथ हो सकता है, आपका रिश्ता 11 सालों का हो, 11 महीने से आप लोगों के बीच में ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन, ये सब ड्रामा, ये ब्लॉकेजेस, आपके पर्सन ने 11 महीने से आपको ब्लॉक कर रखा हो, आपसे बात नहीं कर रहे हो, आपसे दीवारें खड़ी कर रखी हो इन्होंने, तो यहाँ पर ये चांसेस हैं। या फिर नवंबर मंथ, नवंबर मंथ अच्छे या बुरे किसी भी वे में आपसे जुड़ गया हो, जैसे नवंबर मंथ में ही इन्होंने आपको ब्लॉक करा था, नवंबर मंथ में छोड़कर चले गए थे, नवंबर मंथ में इन्होंने आप पर ब्लेम लगाए थे, या नवंबर मंथ आपका बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ, आप लोगों की एनिवर्सरी, इस तरह से ये नंबर्स और ये मंथ आपको लेने हैं। ये रिलीज करना चाहते हैं इन्हीं चीज़ों को, ये जो ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के बीच में, ये जो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, ये जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, इन चीज़ों को ये रिलीज करना चाहते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ईगो,
जो इनका आपके सामने आया था उसे रिलीज करना चाहते हैं। उसी ईगो को पीछे छोड़कर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं इसी टॉपिक पर। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही, यानी कि ये रिलीज इस नेगेटिविटी को छोड़कर, इस ईगो को छोड़कर आपकी तरफ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज या खुद से बढ़ना चाहते हैं ताकि आप लोग वापस से रीयूनियन में आ सको, जो हमें ऑलरेडी पता चला है। और आपके पर्सन इसी वजह से कि ये आपकी तरफ ये चीज़ें छोड़कर आना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। हालांकि इन्हें आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, बट ये आप पर नजरें जरूर बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये है क्विस्ट, डिस्कवरी और द पेज ऑफ सोर्स, तीनों कार्ड आप पे इनकी नजरें हैं। आपके मामले में इनके दिल में क्यूरियसिटी है, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, मूव ऑन तो नहीं कर दिया, वो सब चीजें के सवाल इनके मन में चलते रहते हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं, तो ये इन्हीं सवाल को रिलीज करना चाहते हैं, यानी कि आपके बारे में खबर निकालना चाहते हैं कि क्या आप इस रिश्ते में आना चाह रहे हो या नहीं, और क्या आप इस रिश्ते के लिए इनके साथ बने रहना चाह रहे हो या नहीं। ट्विस्ट और डिस्कवरी दोनों सेम ही चीज बता रहा है, रास्ता ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपके बारे में खबर निकालने के लिए। तो दोनों को साथ में ही क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। गाइड प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आके इंडस, प्लीज इंडस, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे ट्विस्ट और डिस्कवरी के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स बताइए, ट्विस्ट और डिस्कवरी के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 1, 2, 3, 4। नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि फरवरी मंथ। हो सकता है 2 साल का रिश्ता हो, या ये भी चांसेस है 2 साल से नो कांटेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, 2 महीने से नो कांटेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, 2 महीने से स्ट्रगल फेस कर रहे हो, या पर फरवरी मंथ से आप ये चीजें फेस कर रहे हो। इस तरह से नंबर और ये मंथ आपको लेना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। देखो, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपकी रह रहकर यादें तो बहुत ज्यादा आ रही हैं, जो भी आपके साथ इनके पल थे ना, वो बहुत ज्यादा इन्हें याद आ रहे हैं। लेकिन आप इनके लिए अब मिस्टीरियस की तरह बन गए हो, आप इनके लिए मिस्टीरियस से कम नहीं हो। आपको बहुत ज़्यादा खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, लेकिन आपके बारे में कोई खैर खबर इन्हें नहीं मिल पा रही है। ये चीज़ें दिख रही हैं, या मिल भी रही हैं तो उस लेवल पे नहीं मिल पा रही हैं जिस बेसिस पे आपकी तरफ बढ़कर एक रीयूनियन का ऑफर आपकी तरफ लेकर आ सके। ये चीज़ें, यानी कि इन्हें कहीं ना कहीं डर है, रिजेक्ट कर सकते हो, डर है कि ऑलरेडी मूव ऑन कर गए हो। ये चीज़ें जो मिल रही हैं वो उस बेसिस पे ये आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली तो मिल ही नहीं रही हैं। इसी वजह से आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, और इसी कंफ्यूजन से निकलने के लिए आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी रिसर्च कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर देख रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है। स्लो ज़रूर हैं आपके पार्टनर, लेकिन नज़रें इनकी आपके ऊपर है। रास्ता ये आपकी तरफ ही ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़े ताकि आप पर जीत हासिल कर ले और इस रिश्ते पे रीयूनियन की तरफ ये बढ़ जाए। यहाँ पर ये चीज़ है। तो ओवरऑल आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी रिलीज करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में वापस से आना चाहते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज इनकी आज की आई है, जो कि बहुत मज़ेदार रीडिंग आई है, ठीक है। चलिए पहले इनके मैसेजेस देखते हैं, इतनी मज़ेदार रीडिंग आई है तो मैसेज देखना तो बनता है आपके पर्सन का। आखिरकार क्या कहना चाहते हैं आपसे, गाइड कीजिए, यूनिवर्स बताइए। काफ़ी सारे आ गए, काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं भाई। फर्स्ट वन इज़ आई नो यू आर द वन। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जानते हैं कि आप ही एक अकेले हो जिनसे इन्होंने प्यार करा है। आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश दैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं ना, कि आपके पर्सन ने आप पे गलत आरोप लगाए, आप पे ब्लेम्स लगाए, आपको अलग नज़रिए से देखा, आपके लिए नेगेटिव हो गए, जिसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप भी इन्हें इस चीज़ के लिए माफ़ कर दोगे। आई डिडेंट वॉन्ट टू हर्ट यू। इन चीज़ों की वजह से आप कितने ज़्यादा हर्ट हुए हो, कितने ज़्यादा परेशान हुए हो, ये कहना चाहते हैं कि कभी भी नहीं चाहते थे कि आपको ये इतना दर्द पहुँचाए। आई लव यू वेन यू स्माइल। तो ये कहना चाहते हैं कि ये आपको बेहद प्यार करते हैं जब आप मुस्कुराते हो। आई स्टिल रिमेंबर। तो ये आपको आज भी याद करते हैं, और अगर याद नहीं करते तो आपसे, आपके साथ रीयूनियन भी नहीं चाहते। यू आर सो स्पेशल। आज की डेट में आपके पर्सन के लिए आप स्पेशल बन गए हो, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। नेवर गिव माई प्लेस टू एनी वन एल्स। तो मैं
आपको यही बोल रही थी कि आपके पर्सन बेसिकली आपको स्पाई, आप पे नजरें इसलिए बनाए बैठे हैं क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि इतने समय में शायद आप ना किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि आप इनके लिए मिस्टीरियस से कम नहीं हो, आप काफी ज्यादा मिस्टीरियस बन गए हो इनके लिए. विल यू टेक मी बैक इफ आई कम, तो यही चीज मैंने आपको बोली. कंफर्मेशन नहीं है और आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि क्या आप इन्हें वापस से अपनी लाइफ में ले लोगे अगर बाय चांस ये आपके पास वापस से आते. इसीलिए ये आपके बारे में खबर निकाल रहे हैं कि किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हो या इनके साथ आना चाह रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये चीजें दिख रही हैं. ठीक है, तो ओवरऑल आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके साथ ही आपका ही साथ चाहते हैं, ये चीजें हैं. चलिए इसी बेस पे आपके पर्सन के एक्शंस देखते हैं कि क्या ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इनका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा या नहीं आएगा, ये चीजें देखते हैं. गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आके इंडस प्लीज, ऑल इंडस प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे. डैम फ्रेंड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए रिएक्शन लेंगे इनकी तरफ. सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जो आपके पर्सन इस वक्त में सोच रहे हैं ना गाइस, वही इनका एक्शन भी दिखाई दे रहा है. देखिए सिक्स ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया था, वही एक्शंस इनके दिख रहे हैं. जो ये सोच रहे हैं ना करंट में वो कर गुजरेंगे, कुछ इस तरह की एनर्जीज इनकी आई है. ठीक है, दो कार्ड्स और देख लेते हैं क्योंकि क्लियर हो रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं और रीयूनियन कर ही रहेंगे. यहाँ पे सिक्स वीक्स का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, छह हफ्तों के अंदर अंदर काफी लोगों के पर्सन उनकी तरफ बढ़ेंगे रीयूनियन का ऑफर लेकर. ठीक है, टू ऑफ कप्स, बैलेंस चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं और रीयूनियन कर ही रहेंगे. ठीक है, एक कार्ड और डीजे यूनिवर्स से बताइए, कार्ड डीजे यूनिवर्स से बताइए क्या एक्शन है व्यूअर्स के पर्सन कहीं की तरफ. एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स. देखिए गाइस यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि बेसिकली आपके पर्सन जो आपको स्पाई कर रहे हैं ना, इसका कारण ये है, ये आपकी तरफ से कोई सिग्नल चाहते हैं जिससे इन्हें क्लियर हो जाए कि क्या आप भी इस रिश्ते में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, ताकि इन लोग आप लोगों के बीच का जो रिश्ता है ना उसमें एक हेल्दी बिगनिंग हो जाए, उसकी नींव स्ट्रांग हो जाए और ये आपकी तरफ बढ़ पाए. यहाँ पर ये चीजें हैं और अब ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज आई है. रीयूनियन ये बिल्कुल चाहते हैं आपकी तरफ, ये चीजें हैं. इन्हें कहीं ना कहीं रह रहकर आपकी यादें तो जरूर आ रही हैं यहाँ पर, और इसी यादों के बेसिस पर ही आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. जो इन्होंने आपको अलग नजरिए से देखा वो नजरिया आज की डेट में इनका पूरी तरह से बदल गया है कि आप बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत इमोशनल थे, सेंसिटिव थे, फिर आप के ऊपर इन्होंने कैसे ये आरोप लगाए, कैसे ये ब्लेम लगाए, क्यों ये आपके लिए इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए, ये चीजें इनके मन में बहुत ज्यादा चल रही हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, रीयूनियन का ऑफर होगा और आप लोगों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ही यहाँ पर दिख रहा है. चलिए आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकालते हैं. मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में. टूल टू स्पिरिट, एंजल ऑफ लव, क्या बात है, टेम्पल पाथ. ठीक है गाइस, तीनों कार्ड्स में मुझे ये बता रहे हैं आप में से काफी लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, काफी लोग ना डिवाइन से जुड़ रहे हो, काफी लोग स्पिरिट से जुड़ रहे हो, यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज आई है. ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस, काफी लोग हील हो चुके हो और अगर आप नहीं हुए हो तो आपको यही करना है, अपने आप को हील करना है ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत इजीली हो जाए. फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल. देखिए गाइस, बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो आप लोगों के बीच में दूरियां आई हुई है ना, उसमें आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है, यानी कि आपकी स्पिरिट, आपकी जो रूह है वो भगवान से, गॉड से जुड़नी है, ताकि आप जो आज की डेट में समझ नहीं पा रहे हो ना कि
आपकी इंट्यूशन क्या है, आपके दिल क्या है, आप एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और अगर आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली, यानी कि उनके कोई साइंस दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली, यानी कि आप कहीं ना कहीं जुड़ रहे हो एंजल्स से, यूनिवर्स से, डिवाइन से। यहाँ पर ये चीज़ है, आपका सेपरेशन का रीज़न ही ये था अलग होने का। तो अगर आपका ये प्रोसेस चल रहा है तो आप उसी प्रोसेस पे चलते रहिएगा, ऐसा बोला जा रहा है, अपने आप को हील करते रहिए, यानी कि आप उस पाथ पे, उस मार्ग पे चल रहे हो। अगर अभी आपको ये नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो अभी आप उस पाथ से, उस मार्ग से दूर हो, तो उसमें सबसे पहले आपको अपने आप को हील करना है, ताकि आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके, ताकि आप गॉड से जुड़ सको, और इसके बाद ही आप लोगों का प्यार आपको मिलेगा, एंजल ऑफ लव ऐसा बोला जा रहा है। जो लोग हो चुके हैं उन लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा उनका प्यार, ये है। उसके अलावा काफी लोगों को अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करने के लिए बोला जा रहा है, फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, यानी कि आप ना जो बताना चाहते हो वो चीजें अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, यानी कि अगर आपके दिल में प्यार है अपने पर्सन के लिए लेकिन आप उस चीज को अच्छे से बता नहीं पाते हो, वो कुछ का कुछ और पहुंचता है उनके पास, जिस वजह से चीजें आपकी खराब हो जाती है। तो आपको अपने फिफ्थ चक्रा पे भी काम करना है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को हील करना है, फिफ्थ चक्रा यानी कि थ्रोट चक्रा पे काम करना है, और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ना है। तो बहुत कुछ करना है आपको, बहुत कुछ करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। उन चीजों को जैसे ही आप जितनी जल्दी से कंप्लीट कर लोगे, उतनी जल्दी से आप लोगों का रीयूनियन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ये चीजें बोली जा रही है, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है गाइज, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट हो पाते हैं, तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।